माधुरी के करियर की शुरुआती 5 फिल्में अबोध, स्वाति, मानव हत्या, हिफाजत, उत्तर दक्षिण फ्लॉप रही थी। 1988 में माधुरी विनोद खन्ना के साथ पहली कमर्शियली हिट फिल्म दयावान में नजर आई। फिल्म में उन्होंने 21 साल बड़े विनोद खन्ना के साथ बेहद ही बोल्ड सीन दिए थे, जिसके चलते फिल्म सुर्खियों में थी। इसी साल माधुरी की फिल्म तेजाब आई, जिसके लिए टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हुई। फिल्म की ओपनिंग ही माधुरी के 1-2-3 गाने से हुई, जिससे उन्हें स्टारडम और पहला फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला। इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा काफी मजेदार है। दरअसल फिल्म से रातों रात माधुरी स्टार बन गई थी, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें असली नाम से नहीं बल्कि मोहिनी नाम से पहचानते थे। माधुरी की एक दोस्त ने माधुरी को बताया कि थिएटर में भीड़ के बीच फिल्म देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि लोग थिएटर में झूम रहे हैं। ये सुनते ही माधुरी खुद को बुर्का पहनाकर चंदन सिनेमा पहुंच गई। माधुरी छिपकर सबसे आगे बैठी थी। जैसे ही गाना आया, लोग थिएटर में डांस करते हुए स्क्रीन पर सिक्के उछालने लगे। पीछे से फेंके जा रहे सिक्के माधुरी के सिर पर आकर लग रहे थे। ये देखकर माधुरी दंग रह गई।